आपको बताऊंगी जिस अगर आप अपनी स्किन पर अपनी स्किन को बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, ग्लोइंग बनाने के लिए आप अपनी स्किन पर विटामिन ई कैप्सूल कई बार लगा चुके हैं गाइस, तो एक बार इस तरह जरूर इसे ट्राई करना। इस तरह करने से क्या होता है, आपकी स्किन में अंदरूनी चमक आती है, आपकी स्किन नेचुरल तरीके से ग्लो करती है गाइस। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे यूज कर रहे हैं तो किसी डॉक्टर से जरूर रिकमेंड करके इसे अपनी रूटीन में शामिल करना गाइस। हेलो हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल ग्लैम विद अंशु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ब्यूटी टिप्स दूंगी जिसे आप अपनी लाइफ में यूज करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। ये ब्यूटी टिप्स जो है गाइस सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए है, सिर्फ ड्राई स्किन वाले ही इसे यूज करें। नॉर्मल स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं बट ऑयली और सेंसिटिव स्किन वाले आप इसे ना यूज करें। ड्राई स्किन वाले और नॉर्मल स्किन वाले आप इसे यूज कर सकते हो गाइस। फर्स्ट ब्यूटी टिप्स मैंने आपको बता दी, सेकंड मैं बताऊंगी गाइस अगर आप मसाज करते हैं किसी भी अपने फेस पर या जाके पार्लर वगैरह में आप इसे करवाते हैं गाइस, तो मैं रिकमेंड करूंगी आप घर पर ही कोकोनट ऑयल से अपने फेस पर मसाज करें। आगे स्क्रीन पर गाइस आपको दिख रहा होगा जिस तरह मैं मसाज कर रही हूं, इस तरह मसाज करने से क्या होगा गाइस, आपकी स्किन नेचुरल तरीके से टाइट होगी, ब्राइट होगी, आपकी स्किन पे जो झुर्रियों की प्रॉब्लम्स है, रिंकल्स पिंपल्स की प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स आपकी सारी दूर हो जाएंगी। बहुत ही अच्छा मसाज इंग्रीडियंट माना जाता है कोकोनट ऑयल, अगर अपने फेस पर आप इसे यूज कर सकते हैं। इसे आप डे बाय डे यू भी यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अदरवाइज अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसका पैच टेस्ट कर लें गाइस। थर्ड जो हमारी ब्यूटी टिप्स है गाइस वो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, आप अपने फेस पर हनी का मसाज जरूर करें। विंटर में खासकर आप इसे जरूर यूज करें, इससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होती है, जो रूखी और बेजान हमारी स्किन हो जाती है, फट जाती है, वो प्रॉब्लम आपकी स्किन पर नहीं आएगी। हनी एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर माना जाता है जिसे लगाने से हमारी स्किन नेचुरल तरीके से मॉइस्चराइज करती है, हमारी स्किन ब्राइट करती है, हमारी स्किन का जो कलर है फेयर होता है। साथ ही साथ गाइस हमारी स्किन पर इसे भी लगाने से रिंकल्स या पिंपल्स की प्रॉब्लम से नहीं आती, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम से नहीं आती, हमारे आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल होता है वो भी गाइस हमारा दूर हो जाता है। एंड थर्ड गाइस अब मैं बात करूंगी अगर आप अपने फेस पर ऑलिव ऑयल यूज करते हैं ठंडियों में, ठंडियों में खासकर आप इसे यूज कर सकते हैं, वीकली 2 टाइम आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर 2 टाइम नहीं यूज करना चाहते गाइस तो आप इसे एक बारी जरूर यूज करें, वीकली 1 टाइम यूज करें। ये थोड़ा गर्म होता है, ठंडियों में आप इसे यूज कर सकते हैं 2 बारी, अगर अदरवाइज अगर आप गर्मी में इसे यूज करते हैं तो 15 डेज के बाद आप इसे यूज करें। इसे करने से क्या होता है, इसे लगाने से भी हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा जो है ऑयली, हमारी स्किन पे चमक होता है, ऑयलीपन आता है हमारी स्किन पे, हमारी स्किन अच्छी तरह अगर हम मसाज करते हैं, जिस तरह मैं जितने स्टेप बता रही गाइस वो सारे स्टेप आपने फॉलो करना है। मसाज करने से हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा टाइट होती है, जो झुर्रियों की प्रॉब्लम्स है वो हमारी स्किन पर नहीं आता और नेचुरल तरीके से हमारे फेस पर हमें ग्लो देखने को मिलेगा गाइस। हमारा लास्ट जो गाइस है सबसे फेवरेट है हमारा, जिसे मैं अपने डे बाय डे अपने फेस पर यूज करती हूँ, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है गाइस। मैं अधिकतर साबुन को नहीं लगाती, मैं साबुन लगाती हूँ क्योंकि साबुन लगाने से क्या होता है गाइस ना, हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो मैं जब भी मुझे साबुन लेना होता है गाइस तो मैं इस ब्यूटी टिप्स को अपनी लाइफ में जरूर फॉलो करती हूँ और आप भी, मैं रिकमेंड करूंगी आप इसे जरूर करें। ये आप इसे फेस पैक भी बता सकते हैं, इससे आप अपने फेस पर मसाज के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अगर मसाज करना है तो सिर्फ आपने कर्ड लेकर के अपने फेस पर इसे मसाज करना है, अदरवाइज अगर आप फेस पैक के लिए यूज करते हैं तो कर्ड में आपने बेसन दही और हल्दी का मिक्स करके आपने अच्छी तरह फेस पैक बना लेना है और अपने फेस पर इसे लगा लेना है। इसे जब आप लगाएंगे गाइज ना, सूखने के बाद आपने इसे रब करते हुए अपने फेस से निकालना है। ऐसा जब करते हैं गाइज तो आपको इंस्टेंट देखने को मिलेगा कि आपकी स्किन पर बहुत ही प्यारा सा ग्लो आया है और आपकी स्किन का कलर आपको 1 और 2 शेड देखने को मिलेगा, आपकी स्किन का कलर फेयर हो गया है गाइज। कंटिन्यू जब आप इसे यूज करते हैं तो इससे भी आपकी स्किन का जो कलर है ना बहुत ही ज्यादा फेयर हो जाता है, आपकी स्किन देखने में बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग हो जाती है, टाइट हो जाती है गाइज। ये जितने भी मैंने 5 ब्यूटी टिप्स आपको दी हैं ये सारे आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही रामबाण का काम करने वाले हैं। ऐसे करने से क्या होता है, आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाती है और टाइट हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि आपकी एज क्या है। अगर आपने नहीं कभी ट्राई किया तो आप इन्हें जरूर ट्राई करना और इन्हें यूज करके मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइस कि आपको मेरी बताई हुई ब्यूटी टिप्स कैसी लगी। मिलती हूँ इसी तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।